ध्रुव महाराज की स्तुति है, ठीक है। ध्रुव महाराज उसमें एक बहुत मतलब वन ऑफ द फेवरेट स्तुति है, वो मुझे सबसे अच्छी लगती है। उसमें ध्रुव महाराज केवल एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप मुझे आपके भक्तों का संग दीजिए। भक्तिम मुहु प्रवताम त्वयि मे प्रसंगो भूयात अनंत महताम अमल आशयानाम येन अल्म जैसा उल्बणम उरु व्यसनम भवाब्दिम नेश्य भवत गुणा कथाम तपान होता। भक्तिर मुहु प्रवताम, प्रवता मतलब प्रवाहित हो रही है, तो जिनके हृदय में भक्ति सतत, मुहु मतलब कॉन्स्टेंटली प्रवाहित हो रही है। भक्तिम मुहु प्रवताम त्वयि, आपकी भक्ति, देशभक्ति नहीं, समाज भक्ति नहीं, राष्ट्रभक्ति नहीं, पितृभक्ति नहीं, मातृभक्ति नहीं, कौन सी भक्ति, त्वयि। भक्ति मुह प्रवताम त्वयि में प्रसंगो, उनके साथ मेरी बढ़िया वाली आसक्ति हो जाए, अटैचमेंट हो जाए। एक होता है संग, एक होता है प्रसंग। जानते अंतर क्या होता है? संग मतलब होता है कि कॉलेज चल रहा है तो बेस में रहना पड़ेगा, और जैसी छुट्टी हुई महीने भर के लिए घर, तो होता है संग। प्रसंग क्या होता है? प्रकर्ष रूपेण संग, छुट्टी में भी पड़े रहो बेस में, इसको कहते हैं प्रसंग। तो क्या प्रार्थना कर रहे ध्रुव महाराज? मुझे प्रसंग चाहिए, संग नहीं चाहिए। रूपम अच्छा तो पता ही नहीं था, उसके आके जयना जी से खुल गई। त्वयि में प्रसंगो भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद, कॉन्स्टेंटली मैं उनसे आसक्ति बनू, बार बार बारंबार। जिनके हृदय बारंबार मतलब कॉन्स्टेंटली भक्ति प्रवाहित हो रही है, मैं उनसे प्रसंग हो जाए, आसक्ति हो जाए, भूयाद हो जाए। भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमल आशयानाम, हे अनंत, हे भगवान, ऐसे महत अमल आशयानाम, जो अमल है मतलब जिनके हृदय पूरी तरीके से भौतिक कर्म से मुक्त है, ऐसे भक्तों के साथ क्या हो जाए? प्रसंग मेरी आसक्ति हो जाए, प्रकृष्ट रूपेण से। इससे क्या हुआ? ये अंजसा उल्बणम उरु व्यसनम भवाब्दिम, भवाब्दिम जो संसार सागर है उसको मैं सरलता से, उरु बहुत कठिन है जिसको पार करना, उल्बणम पूरा डेंजरस है, लेकिन निश्चय मैं पार कर जाऊंगा, बहुत सरलता से पार कर जाऊंगा। कब पार कर जाऊंगा? कब पार कर पाऊंगा? अगर मेरी प्रसंग हो जाएगा, आसक्ति हो जाए, किन से आसक्ति हो जाए? जिनके हृदय में भक्ति सतत प्रवाहित हो रही है, कभी कभी प्रवाहित होने वालों से नहीं। किन से आसक्ति होनी चाहिए? जिनके हृदय में प्रोपा जी के हृदय में सतत रूप से भक्ति प्रवाहित हो रही है, ऐसे भक्तों से अगर आसक्ति हो जाए तो क्या होगा? अंजसा, अंजसा सरलता से व्यक्ति, उन्लबणम जिसको पार करना बहुत कठिन है, उरु व्यसनम भवाब्दिम निश्चय पार कर जाएगा। कैसे पार? ऐसा क्या होता है भक्तों के संग में, ऐसा क्या होता है कि सरलता से पार कर जाएंगे? फ्लो में आप निकल जाओगे। तो कर क्या होते हैं? कौन सा फ्लो चलाया हुआ है भक्तों ने कि आप सरलता से निकल जाओगे? कथामृत पान मत्ता, भक्तों की सभा में बैठोगे तो एक ही चीज होगी, शराबियों की सभा में बैठोगे एक ही चीज होगी, क्या? टल्ली हो जाओगे। देखो भाषा सीख गया, हॉस्टल की भाषा सीख गया, टल्ली हो जाओगे। तो बस हफ्तों के समाज में रह जाओगे तो यहाँ भी टल्ली हो जाओगे। काय में टल्ली हो जाओगे? मैकडोनल्ड कह रहा हूँ, सॉरी, ओल्ड मॉन्क है, ओल्ड मॉन्क नहीं, न्यू मॉन्क। किस में टल्ली हो जाओगे? कृष्णा कॉन्शियसनेस में। कथामृत और पान, कथामृत का पान करेंगे, पिएंगे, और फिर क्या होगा? मत्ता, कथामृत पान मत्ता, मत लिखा है ये शब्द। इसके नेक्स्ट श्लोक में जानते क्या लिखा है? इसके नेक्स्ट श्लोक में लिखा है क्या नहीं पता, बड़ी अच्छी बात लिखी है। जब कोई नशे में होता है तो क्या होता है उसके साथ? पागल हो जाता है, पहली बात तो। फिर पागल के लक्षण क्या है? कुछ भी कर लेता है, कुछ भी करता है, मतलब पागल लगा हुआ, आराम से गटर में पड़ा रहेगा, उसको अपने कपड़े का होश नहीं, घर कौन है, कहाँ है, उसकी बीवी कौन है, बच्चे कौन है, कहाँ से, कोई उसको तेना स्मरंती अतितिर तेना स्मरंती, उनको स्मरण नहीं आता है। किनको स्मरण नहीं आता है? पिछले श्लोक में बोला है जो मत है, प्रसंग में मत है, प्रसंग संग किया है, उसके बाद पिया भी है, केवल संग नहीं किया। लोग नहीं बोलते प्रभु जी मेरे रूम में तो सब पीते, मैं नहीं पीता, ऐसे नहीं चलेगा।
पीना पड़ेगा पीना पड़ेगा। संघ में बोतलें घुलेंगी, मिल बैठेंगे तीन यार आप में और भगवत गीता। तो संघ में पीना पड़ेगा, पिएंगे तो क्या होगा, और थोड़ा भी लहर ही चलेगा, ये भी समस्या है। प्रोजी कितनी माला करते, एक माला करते हैं, बहुत अच्छे से मैंने लेक्चर सुनते हो, शॉर्ट्स देख लेते हैं कुछ पढ़ते हो आप जो व्हाट्सएप पे भेजते हैं उतना पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं देगा। काम कैसे देगा, कितना पीना पड़ेगा, अगर संसार सागर को पार करने कितना पीना पड़ेगा, मिनिमम 16 राउंड मिनिमम मिनिमम। और कितना पीना पड़ेगा, मत इतना पीना पड़ेगा, मत्ता चढ़ना चाहिए, तब क्या होगा, तेना स्मरन्ति अतितराम प्रियमीश मात्यम, सबसे पहले व्यक्ति शरीर को भूल जाएगा और फिर शरीर से संबंधित वस्तुओं को भूल जाएगा। इस तरीके से व्यक्ति सहजता से, ये भागवत नेक्स्ट इस श्लोक के नेक्स्ट श्लोक में लिखा है, तेना स्मरन्ति अतितराम प्रियमीश मात्यम ये चौन्न सुता सुहित गृह वित्त दारा, सुता सुहित गृह वित्त दारा, सब छोड़ देगा, सब भूल जाएगा। सुत मतलब बाल बच्चे, भूल जाएगा। वित्त गृह घर में व्यक्ति सुना घर वित्त और लास्ट में दारा, दारा माने पत्नी को भी भूल जाएगा, गर्लफ्रेंड चली हरे कृष्णा। कब, जब भक्तों के संग में आसक्त हो जाएगा, बोतलें खुलेंगी, पान मत्ता, तब जाकर के उल्बणम उरु व्यसनम भवाप्यम देश्ये, तब संसार सागर को पार करता है। और कोई तरीका नहीं संसार सागर को पार करने का, और कोई तरीका है ही नहीं, बना ही नहीं है। एकमात्र तरीका है भक्तों से आसक्ति, संग और प्रसंग, क्या अंतर बताया मैंने, संघ मतलब जब तक कॉलेज चले तब तक बेस में रहना, कॉलेज खत्म तब भी घर, इसको कहते हैं संघ। और प्रसंग मतलब तब भी पढ़े हो, कॉलेज खत्म होने के बाद में भी, छुट्टियां लगने पर भी बेस में पढ़ रहो, इसको कहते हैं प्रसंग। तो संघ के बारे में नहीं कह रहे ध्रुव महाराज, किसके बारे कह रहे हैं, प्रसंग, तब संसार सागर पार होगा। इसीलिए घर वाले रोते हैं, इसीलिए घर वाले रोते हैं कि कहीं चला ना जाए। वीडियो बंद करो भाई, वीडियो बंद।